हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। आई होप आप अपनी फैमिली, सेहत और पढ़ाई का ध्यान रख रहे हो और मेरा लेक्चर देख रहे हो। दोस्तों, आज हम देखेंगे वे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। पिछले वीडियो में मैंने कुछ लिए थे, इस वीडियो में कुछ लूंगा। धीरे धीरे करके ये जो पीवाईक्यू सीरीज है इसको मैं खत्म कर दूंगा। आप इन्हें वीडियो पोस्ट करके सोल्व करते जाओ पहले, बाद में देखते जाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। क्वेश्चन सोल्विंग प्रैक्टिस का जो लेवल है आपका, वो आपको हर रोज बढ़ाना है। पीवाईक्यू जो होते हैं आपको सीटी का लेवल जो होता है वो समझने में मदद करते हैं, तो पीवाईक्यू सोल्व करना कभी ना भूले। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 4 है। 3 सवाल मैंने पिछले वीडियो में लिए थे। तो इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सवाल में पूछा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है हमें परफॉर्म करना है कहाँ? वाटर में। जनरली हम यहाँ परफॉर्म करते हैं, एटमॉस्फेयर में, एयर में, एयर के प्रेजेंस में परफॉर्म करते हैं। तो अगर हमें वाटर में वो परफॉर्म करना है तो क्या होगा? फ्रिंज विड्थ के साथ क्या होगा? फ्रिंज विड्थ के क्या हाल होगी? तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन अनचेंज और नो चेंज। भाई, अनचेंज और नो चेंज एक ही मीनिंग होता है। इसका मतलब एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से दो ऑप्शन तो गए, क्योंकि दोनों का सेंस एक एक जैसा है। रिमेन अनचेंज और नो चेंज, इसका मीनिंग सेम होता है। अब बचे दो ऑप्शन, या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। दोस्तों, जब भी मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है, हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ के जरिए हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। लैम्ब्डा ऑफ एयर इक्वल्स टू लैम्ब्डा ऑफ म्यू मीडियम म्यू, ये आपको रिलेशन जरूर पता होगा। फ्रिंज विड्थ के बारे में बोला है, तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? बीटा इक्वल्स टू लैम्ब्डा डी बाय डी होता है। तो दो स्लिट्स होते हैं, ये रहा एक स्लिट, ये वन स्लिट, ये दूसरा स्लिट, ये रहा स्क्रीन। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है इसका सेटअप मान लो। तो ये डिस्टेंस जो होता है ये बड़ा डी होता है, ये छोटा डी, इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेटअप वैसे के वैसा ही रहेगा पानी के अंदर भी। लेकिन जो रेज यहां से निकलेंगे उनका जो वेवलेंथ होगा, उस वेवलेंथ में कुछ डिफरेंस आएगा। एक तो या तो वेवलेंथ कम होगा या ज्यादा होगा। लेकिन वाटर जो मीडियम है दोस्तों, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि वो बहुत ही डेंसर है। डेंसर है मतलब लैम्ब्डा ऑफ एयर हमें निकालना है वो इक्वल होता है लैम्ब्डा ऑफ एयर इक्वल टू लैम्ब्डा ऑफ वाटर बाय म्यू। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये नंबर छोटा हो जाता है, 5 बन जाता है। अगर लैम्ब्डा ऑफ एयर इक्वल्स टू लैम्ब्डा ऑफ वाटर बाय म्यू है तो म्यू का कुछ वैल्यू होगा, तो लैम्ब्डा बाय म्यू मतलब ये लैम्ब्डा की वैल्यू छोटी कर देगा, छोटी, यानी कि लैम्ब्डा ऑफ एयर बड़ा हो गया और लैम्ब्डा ऑफ म्यू छोटा हो गया, यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ डिक्रीज करेगा मतलब यहाँ रिलेशन देखो, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा। इसका मतलब लैम्ब्डा डिक्रीज करेगा तो बीटा भी डिक्रीज करेगा। बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ, आप एक्स भी मान सकते हो, आप डब्ल्यू भी मान सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग है। स्टेट बोर्ड के बुक में डब्ल्यू उसका सिंबल है, तो द फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। तो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। सीधा साधा सवाल, आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल बताना था इसलिए मैंने आपको बताया। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल पूछा है, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग क्या होता है दोस्तों? डिफरेंस या डिस्टेंस हम बोलेंगे। स्पेसिंग मतलब डिस्टेंस। द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा एंड मिनिमा, सक्सेसिव मैक्सिमा एंड मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है, या डिफरेंस बोलो, डिस्टेंस बोलो, जो भी है,
वो कितना होता है, तो क्या होता है, ये तो डेफिनेशन है भाई, ये डेफिनेशन है अपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। जो ज्योमेट्री होगा उस ज्योमेट्री में लास्ट लाइन है, लास्ट में ये लाइन है, द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा एंड मिनिमा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। क्या कहते हैं उसको हम, फ्रिंज विड्थ। तो दोस्तों फ्रिंज विड्थ क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, बीटा इक्वल्स टू लैम्ब्डा डी बटा डी। तो लैम्ब्डा डी बाय डी ये रहा ऑप्शन ए, विल बी आवर करेक्ट आंसर। अगले सवाल में क्या पूछा है, इफ फ्रिंज विड्थ इज 0.4 mm, फ्रिंज का विड्थ कितना है 0.4 mm, द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क बैंड। तो यहां दो कंडीशंस है, डिस्टेंस बिटवीन पूछा है फिफ्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क बैंड। तो ब्राइट बैंड के लिए क्या कंडीशन होती है, फ्रिंज विड्थ की। तो बीटा इक्वल्स टू एन लैम्ब्डा डी बाय डी, जनरली फॉर्मूला क्या होता है लैम्ब्डा डी बाय डी, लेकिन एन क्यों लिया, क्योंकि फिफ्थ एक नंबर है, तो कौन सा फ्रिंज विड्थ, कौन सा फ्रिंज है, तो फिफ्थ है, तो हम 5 लैम्ब्डा डी बाय डी, ये रिलेशन यहां से निकल के आएगा, यहां से हमें 5 लैम्ब्डा डी बाय डी रिलेशन मिलेगा, किसके लिए, ब्राइट के लिए। लेकिन अगर डार्क बन रहा है फ्रिंज, डार्क, डार्क के लिए क्या होगा, डार्क के लिए रिलेशन होता है, इसको बीटा माना तो इसको बीटा डैश मान लेते हैं, होता है 2n-1/2 लैम्ब्डा डी बाय डी। तो ये थर्ड है, थर्ड डार्क है, तो n की वैल्यू थर्ड पुट कर देंगे, ये 6-1 5/2 लैम्ब्डा डी बाय डी, ये बीटा डैश। अब डिस्टेंस बोला है तो दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, इन दो इक्वेशंस का, तो हमें डिफरेंस मिलेगा, यानी कि बीटा माइनस बीटा डैश इक्वल्स टू आएगा लैम्ब्डा डी बाय डी, कॉमन ले सकते हैं दोनों में, लैम्ब्डा डी बाय डी इन ब्रैकेट 5-5/2, तो ये 5 × 10-5 5/2, यानी कि लैम्ब्डा डी बाय डी 5/2 ये आएगा। लेकिन लैम्ब्डा डी बाय डी क्या है, फ्रिंज विड्थ है, और बोला है कि फ्रिंज विड्थ इज 0.4 mm, तो लैम्ब्डा डी बाय डी हम 0.4 पुट करेंगे, इक्वल टू 0.4 × 2.5 5/2 कितना होता है 2.5, तो इसको मैं 4 × 25 इस तरह लिख सकता हूँ, एक डिजिट मैंने शिफ्ट किया, इधर भी एक डिजिट शिफ्ट किया, यानी कि 10^-2 लिख सकता हूँ मैं, यानी कि 100 × 10^-2 आएगा, 100 × 10^-2, ये -2 ये दो जीरो को कट कर देगा, यानी कि इक्वल्स टू 1 आएगा mm में, 1 mm हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के शॉर्ट बट स्वीट सवाल, तो अगले सवाल अगले सेशन में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।